बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो जेआईटी वालों से मैंने पूछा, जब उन्होंने सब सवाल कर लिए तो मैंने उनको कहा कि रोक सकते हो तो रोक लो। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। हुसैन नवाज, हसन नवाज, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? जो दोनों भाई मेरे पीछे खड़े हैं, जिस तरह की वो कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। वजह एक ही है, वजह ये है, लोगों को पता है कि नवाज शरीफ एक वाहिद लीडर है जिसका खड़ा रहेगा, रोक सकते हो तो रोक लो। और वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए मैं समझती हूँ ये फख्र की बात है कि सवाए लोगों की जेबों में हाथ डाले रखने के, सवाए मांग तांग के गुजारे के कोई जरिया आमदन नहीं है, तो नवाज शरीफ पाकिस्तान का एक वाहिद शख्स है जिनके ऊपर केसेस अवाम के पैसे के खुद बुर्द के हैं, उस पर नवाज शरीफ की मोहर है। तो हम नरम तरीन हिस्सा दे रहे हैं, दे चुके हैं और बार बार दे चुके हैं। और ये याद रखो, उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ नरम तरीन हिस्सा अपनी अवाम के पास लेके जाएगा। आखिर में ये जरूर कहना चाहूंगी, रोक लो नवाज शरीफ को, रोक लो नवाज शरीफ को, रोक लो नवाज शरीफ को, रोक लो नवाज शरीफ को। शुक्रिया।